सबसे पहले अभी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, ऑन नहीं कर रहा हूँ, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हमने इसको 1 वोल्ट सेट कर रखा है, तो जाहिर सी बात है मैं जो चेक करूँगा अभी यहाँ पर चेक करूँगा, जो हमारा यहाँ पर वोल्टेज आता है वो किस तरह से आता है इस स्क्रीन का वोल्टेज। ये पहला फ्यूज हो गया, कैपेसिटर हो गया, क्वाइल हो गया, और क्वाइल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्विचिंग कौन करेगा, हमारा ये आईसी, और ये आईसी स्विचिंग करेगा। तो उसके बाद ये डायोड का एनोड हो गया, तो एनोड पॉइंट पे चेक करोगे तो आपको पल्स मिलेगा, कब, ऑन होने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर आपका फाइनल आउटपुट बनेगा, और ये आउटपुट जो है ना, ये आपका हमारा शायद ये जो वी एल ई डी पॉइंट देख रहे हैं, इससे ये चला जाएगा इन कर जाएगा, समझ गया ना। और जो हमारा ये बैकलाइट आईसी का ड्राइव है, मतलब एलईडी का जो कैथोड्स होता है उसके लिए ड्राइव, वो हमें मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें पल्स मिलेगा। तो अभी फिलहाल जब मैंने बोर्ड ऑन नहीं किया है, मैंने अपने डीएसओ को कर लिया 10x पे, 10x पे कर लिया। तो अब आप चेक करो, देखो मैं यहाँ चेक करा रहा हूँ आपको, क्या वोल्टेज बन रहा है, नहीं बना, कितना आ रहा है देखो, कितना बन रहा है, बन रहा पूरा मेरा 19 वोल्ट आ रहा है। वो 19 वोल्ट आप देखो, क्वाइल पे रखा हूँ मैं, इस साइड नहीं बन रहा है, पूरा स्ट्रेट लाइन पूरा। ये मेरा क्या 10x है, तो 10 वोल्ट करीब करीब मैंने डीएस अपना डीसी को सेट कर रखा है 20 वोल्ट पे, तो 20 वोल्ट आ रहा है ना। अच्छा, अभी मैंने बोर्ड ऑन नहीं किया, तो जब मैंने बोर्ड ऑन नहीं किया, तो आप जरा यहाँ चेक करिए, यहाँ और यहाँ आपको सेम वोल्टेज मिलेगा। देखो डायोड का कैथोड पे क्या मिल रहा है, सेम वही वोल्टेज मिल रहा है, डिट्टो वही सेम है जो आपको डायोड के एनोड पे मिल रहा है, एनोड पे, ये देखो। अब जब मैं बोर्ड को ऑन कर लूँगा, तो अब आप देखिएगा डायोड के एनोड के साइड में देखिएगा क्या हो रहा है। अभी आपको डायरेक्ट है ना 20 वोल्ट है। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ जरा, यहाँ भी कांस्टेंट है, मतलब मेरा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे मेरे को बूस्ट अप मिलता तो मैं कहता है सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर मेरे को कांस्टेंट मिल रहा है। इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्क्रीन है इस पर क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिम इमेज का इशू आएगा, है ना। इस पर डिम इमेज का इशू यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या करना चाहिए था, बूस्ट करना चाहिए था, है ना। चलो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, इतना तो पता चलेगा कि मेरा वोल्टेज यहाँ पर बूस्ट नहीं कर रहा है, बूस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका क्या कारण है उस चीज़ को देख सकते हैं, है ना, कि मेरे बोर्ड में दिक्कत है कि स्क्रीन में दिक्कत है, बात वो आ जाती है। तो उसके लिए आप इसको, बाकी आप यहाँ चेक करेंगे, हम यहाँ पर चेक करने के लिए जाएंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब देखो सारे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें से ये वाला जो पॉइंट्स है VCC, है ना, इस पे मेरा क्या आएगा, डिले वोल्टेज आएगा 3.3 वोल्ट, जो कि कब आता है, बोर्ड ऑन होने के बाद आता है। तो क्या मेरा यहाँ पर आ रहा है, देखो, तो इसको मैं 1 वोल्ट पे ले लेता हूँ, 1 वोल्ट पे ले लेता हूँ, आ रहा है, ये तो मेरा ओके है, 1, 2, 3.3 वोल्ट ये मेरा आ रहा है, करेक्ट, ये मेरा आ रहा है, इतना श्योर हो गया कि हाँ मेरा ये आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो ये PWM है, PWM इस पे से कौन सा होगा, आई थिंक शायद ये वाला होगा, है ना, ये तो मेरा 19 वोल्ट है, जो मेरा विन वोल्टेज है 19 वोल्ट, वो ये वाली लाइन में जाती है। देखो यहाँ पे 19 वोल्ट, ये मैंने इसको 10x पे रख दिया, तो 19 वोल्ट है ना, इतना तो कन्फर्म हो गया कि दो रिक्वायरमेंट तो मेरी ओके है। तीसरी रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ PWM, तो शायद मेरा PWM ये वाला स्पॉट हो, क्योंकि इस पे लिखा है SM क्लॉक SM डाटा। मैं इसके डायग्राम पे भी जाऊंगा चेक करने के लिए, PWM तो मेरे को बता रहा है शायद है, देखो 3.3 वोल्ट बता रहा है, मतलब PWM है। अब बारी आ गई बैकलाइट ऑन की, है ना, बैकलाइट ऑन, आखिरकार बैकलाइट ऑन है कहाँ, तो मैं यहीं पे चेक करने की कोशिश करता हूँ ये क्या है, इस पे नहीं पता चल रहा है, और ये भी देखूंगा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैकलाइट ऑन का मुझे नहीं पता चल रहा है। अच्छा, डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस चीज़ को देखूंगा, डाटा मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो डाटा के लिए यहाँ पर आप देखोगे EDP का जो डाटा है, ये हमारे 4 पॉइंट्स है डाटा के, ठीक है ना,
किसी भी एक पॉइंट पे मैंने रख दिया, एक बार तो मेरे को इसको ऑफ करना पड़ेगा पहले, है ना, ऑफ करके अब मैं फिर से ऑन करूंगा, डाटा देखते हैं पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। ठीक है सर, के डाटा मेरे को यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ पे मेरे को डाटा भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, डाटा नहीं आ रहा है। अब क्या करता हूँ मैं इसी चीज को बोर्ड पे चेक करता हूँ, बोर्ड पे देखता हूँ क्या है। बोर्ड पे जब आते हैं तो बोर्ड पे जब हम लेंगे तो पहले हमें डायग्राम है तो डायग्राम से ही हम देखेंगे, डायग्राम के मुताबिक ये रहा पेज नंबर 52 पे गए, ये रहा आपका सारा का सारा डिटेल्स। तो इसमें आप चेक कर लो, जैसे हम बोर्ड पे चेक करेंगे तो बोर्ड पे देखो ये वाला पॉइंट हो गया डीसी बैटर होटल सर्विस, मेरा ऊपर भी बन रहा था लेकिन हम बोर्ड पे चेक करें तो बोर्ड पे लेके चल रहे हैं, तो बोर्ड पे लेके चल रहे हैं। तो फिलहाल मैं इस केबल को हटा देता हूँ, है ना, और मैं बोर्ड पे ऊपर आ रहा हूँ। ट्रिक पता हो, ये जो लास्ट का चार पिन देख रहे हो ना, इस पे एक क्लियर कट आपको इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें है ना, यहाँ पर एक स्पॉट है यहाँ पे हल्का सा, तो जो कुछ भी चेक करना है उस पे कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को अगर मदरबोर्ड पे चेक करना है इस चीज को, तो मैं चेक करूंगा इसको, ये रहा मेरा पॉइंट, मेरा पॉइंट्स मेरे को मिल गया, है ना, ये पॉइंट्स, डीसी को ऑन करूंगा, ₹19, ये मेरा ठीक है। तो कहाँ चेक कर रहा हूँ देख रहा हूँ ना, मैं पिन पे नहीं गया, मैं ये स्पॉट पे गया, स्पॉट पे 19 वोल्ट मेरा मिल गया। अब जैसे बैकलाइट और पीडब्ल्यू मेरे को देखना है कि मेरा बैकलाइट पीडब्ल्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए पिन डिटेल्स इसमें हो जाएगा, बैकलाइट इनेबल 28 नंबर पे, और ये जो कंट्रोल है इसका मतलब पीडब्ल्यू ये है 29 नंबर पे। तो इस यहाँ पर मैंने रखा अपना प्रॉब, देखो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉब रखा है, और अभी देखते हैं ये जब भी आएगा ऑन होने के बाद ही आएगा, तो पकड़ के देखता हूँ। मेरा बैकलाइट यहाँ पर शायद नहीं आ रहा है ना, और क्लियर कट मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, आप देखते रहिए मैं कैसे चेक करता हूँ। मैंने बोर्ड ऑन कर दिया है, देख रहा है 3.3 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है 3.3 नहीं, मैं पिन पे जाता हूँ 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28। मेरे को कुल मिला के क्या लग रहा है, यहाँ पर 3.3 जो बैकलाइट है वो नहीं बन रहा है, बैकलाइट मेरे को यहाँ पे नहीं बन रहा है, और उसके नीचे 29 पे पीडब्ल्यूएम उसको मैं चेक करता हूँ, 34, 33, 32, 31, 34, 35, 31, 30, 29 नंबर वोल्टेज आ रहा है क्या, ये भी नहीं समझ कि आपका पता है कि जो स्क्रीन लगेगा तो क्या बनेगा, HPT PDP HPD बनेगा, है ना, तो जाके बनेगा। तो मैं आपको स्क्रीन लगा लेता हूँ और स्क्रीन लगा के फिर दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आपका डिटेक्शन होगा स्क्रीन का, तो आपको स्क्रीन पे लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने स्क्रीन लगा दी, जब स्क्रीन लगा दिया तो आपको चेक करना है ये वाला कनेक्शन, इसमें देखो EDP वाली पिन कौन सी है, हमें लग रहा शायद HPD ये वाली पिन 17 नंबर, और तो कोई नहीं है 17 नंबर पे, 17 नंबर पिन पे फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैं दूंगा तो एक वोल्टेज बन जाएगा। और अब मैं जरा देखता हूँ 29 नंबर और 28 नंबर का क्या स्टेटस है, ये मैंने स्क्रीन कनेक्ट कर दिया है, ये मैंने इसको वो भी कर दिया ऑन, थोड़ा ये इधर खिसक गया, TSO को फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं।
ये मेरा कौन है, 34, 33, 31, 30, 29 29 पे मैंने लगा दिया अपना मल्टीमीटर का प्रॉब और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ऑन किया, वोल्टेज आया क्या, आ गया देखो 3.3 आया। ये क्या था मेरा PWM, करेक्ट। अब PWM के अलावा अब मेरे को देखना मेरा बैकलाइट, तो बैकलाइट ऑन जो है इसका 30, 29, 29, 28 बताओ वोल्टेज आ रहा है क्या, आ गया। यहाँ पर भी वोल्टेज है, मतलब यहाँ तो मेरा वोल्टेज बैकलाइट के लिए भी ओके है ना, थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन कुल मिला के मेरा बैकलाइट के लिए भी वोल्टेज दे रहा है मेरे को, है ना, और ये भी दे रहा है मेरे को, ये भी मिल रहा है, ये दोनों चीजें मेरे को मिल रहा है ना। अब वो शायद स्क्रीन तक हम नहीं देख पाए हैं, बैकलाइट ऑन का नहीं स्क्रीन पे देखा मेरा, लेकिन ये वोल्टेज मेरा जा रहा है, समझ गए ना, मेरा वोल्टेज यहाँ पर पहुंच रहा है। तो आपने देखा कि ये जो वोल्टेज बना कब बना, स्क्रीन लगाने के बाद बना है, स्क्रीन लगाने से पहले नहीं बना, बिकॉज स्क्रीन का डिटेक्शन जरूरी होता है। स्क्रीन का डिटेक्शन के लिए हमारा ये 17 नंबर पिन है। 17 नंबर पिन का क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज को देखते हैं कि अभी मैं 17 नंबर काउंट लेता हूँ, मेरे को मजबूरी है कि काउंट करके ही चलना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 17 नंबर पिन है। 17 नंबर पिन में क्या आप देखना, ये मैंने ऑन किया, आ गया देखो एक वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये वोल्टेज आ जाता है, तो तब जाके स्क्रीन का डिटेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज आपका, अच्छा बिना स्क्रीन के वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा उस चीज को देखो, बिना स्क्रीन के। ये मैंने ऑफ कर दिया इसको और ये हटा दे रहा हूँ, हटा दिया और अब मैं लगा रहा हूँ, लगा दिया ये, अब जरा ऑन करता हूँ और इसको चेक करना। देखो क्या हो रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है बिना स्क्रीन के, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, जब स्क्रीन लग रहा है तभी वोल्टेज आ रहा है। तो यही इसका डिटेक्शन होता है कि जब ये डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा और उसके बाद ही आपका बैकलाइट ऑन या PWM दिखाया था मेरे को। एक बार फिर से श्योर कर देता हूँ मैं, बैकलाइट ऑन और PWM बोर्ड ऑन है, याद रखना 31, 32, 33, 34, 29 नंबर। कोई वोल्टेज है क्या, नहीं कोई वोल्टेज नहीं, ना 29 पे कोई वोल्टेज है, नहीं ना 28 पे कोई वोल्टेज है देखो, लेकिन वही जब मैं स्क्रीन लगाऊंगा तो इन दोनों पे वोल्टेज आ जाएगा। तो ये स्क्रीन डिटेक्शन होने के बाद ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन लगा देते हैं, स्क्रीन लगा दिया। इसके बाद ये जो हो गया उसके बाद आपको जाना होता है, ये चेक करते हैं हम इसमें अपना, ये HDSCL जो दिया टच को लेकर के दिया है, समझ गए ना, ये टच को लेकर के है। हमारा जो मेन डाटा पिन है यही 4, ये 6 है, हमें टच को लेकर नहीं चलना, अब हमें चलना है इसको लेकर। अगला जो मेन पॉइंट होता है ये 19 नंबर और 20 नंबर को चेक करना है ना, ये आपका बनना ही चाहिए। तो इस और 20 नंबर, तो देखो 19 और 20 को मैं चेक करवा रहा हूँ आपको, बोर्ड में बेसक ऑन कर दे रहा हूँ, मतलब वोल्टेज डाल दे रहा हूँ और इसको चेक करवा रहा हूँ आपको। 19 और 20 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 के लिए मेरे को एक पॉइंट्स ही मिल गया, यहाँ पे पॉइंट्स मिल गया। अब देखते हैं, अभी कोई वोल्टेज नहीं, कुछ नहीं, अब जब मैं ऑन करूंगा देखना, ऑन होने के अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अरे अभी मतलब थोड़ा रुक के आया, रुक के आया, रुक के आया, दैट मीन्स ये हो गया मेरा डिले वोल्टेज। डिले वोल्टेज जब भी आएगा थोड़ा सा रुक के आएगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट्स ओके है, बैकलाइट सर्किट की मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स ओके है। तो अब जब बैकलाइट सर्किट की रिक्वायरमेंट्स ओके है तो मैं आ जाता हूँ डाटा के लिए।
यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन डीएसओ से थोड़ा बहुत आइडिया इसका लग जाएगा, ठीक है ना। अभी ऑफ है, ठीक है ना, मैं वन बाय वन करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक एक बार में एक पिन पता चलेगा आपको तुरंत तुरंत में, क्योंकि डाटा देखो मैंने एक कैपेसिटर पे लगाया है, ऑन कर रहा हूँ, है ना, ये ऑन किया, अब ऑन कर रहा हूँ, देखो यहाँ कोई हरकत दिखा नहीं, दिखा अब देखो दिख रहा डाटा, ये एडीपी का है, ठीक है ना, ये एडीपी का डाटा। थोड़ा सा अगर मैं इसको ना 10x पे ले लूँ तो शायद और अच्छा बने क्या, या स्पीड मेरे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना, स्पीड थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं और 10x पे देखता हूँ। देखो मैंने इस पे रख दिया है, अब मैं ऑन करने के लिए जा रहा हूँ, अब देखना भाई देख रहा है वो जो आ रहा है ना, वो यही डाटा है आपका, देख रहे हो ना, इस तरह करके आ रहा है। तो इस तरह करके देखो मैंने एक पिन पे देखा, मैं और भी पिनों पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि जो मेरा ये वाला पिन है इस पे दिखाता हूँ, इधर वाले पिन पे, ये मैं दूसरे वाले पिन पे आ गया, बन जाओ भाई दिख रहा है, देखो ये देखो डाटा। अब इसी पे मैं अगर इसको ऑटो कर दूँ ना, ये देखो इसी पे मैं ऑटो कर देना, अरे एक सेकंड ऑफ, मतलब मैं एक आपको एक पार्टिकुलर वो देता हूँ कि जिसपे कि आपको ये डाटा बढ़िया दिख जाएगा, है ना, रुको ऑन किया, इस पे तो डाटा का आइडिया ही नहीं लग पाएगा, टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, फिर से उसी मोड पे ज़्यादा बढ़िया दिख रहा था। वोल्टेज कितना था मेरा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट था, और टाइमिंग मेरा ठीक है, टाइमिंग को अभी देखना वैसे करके, मतलब ये डाटा आपको डीएसओ से ही नजर आएगा, मल्टीमीटर इसमें आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। ऑन किया, आ जाओ भाई डाटा, देखो दिख गया, ये आपका डाटा है, ये आपका डाटा, इसका डाटा हम देख रहे हैं, एडीपी का डाटा देख रहे हैं। इस तरह करके आप देखोगे यहाँ पर डाटा, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, मदरबोर्ड पे मेरी सारी कंडीशन ओके है, मदरबोर्ड की सारी कंडीशन ओके है, मदरबोर्ड पे मेरा सब आ रहा है। अब ये डाटा भी बन रहा है तब जब स्क्रीन लगा के रखा हूँ, स्क्रीन नहीं लगाओगे तो डाटा नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका हो जाता है ईडीपी में, तो ईडीपी में जो जनरली आपका टेस्टिंग हो गया यही हो गया, है ना, इतना ही आपको चेक करना है कि मेरा डाटा, और इस डाटा पास में अगर आपको लगे ऐसा कि डाटा नहीं बन रहा है, या फिर भी किसी वजह से आपको लगे डाटा का इशू है, आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करके भी देख सकते हो, इसको जो 6 कैपेसिटर है जो सबसे पहले नजर आ जाते हैं, बाद बाकी टच वच है नहीं इसमें, स्क्रीन वैसा वाला है नहीं टच का, समझ गया ना। तो ये है, अब इसका स्क्रीन भी थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि टच वाला स्क्रीन है, टच का ऑप्शन दिया तो टच स्क्रीन हो सकता है इसका, समझ गया ना, हमने इस पर नॉर्मल ATP स्क्रीन लगा हुआ है, बाकी कैमरा वैमरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये तो हो गया मेरा क्या, ATP।